بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب محترم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون मुकड़ा नबी दा रब ने आप बनाया है शन ते सूरज नालों वद के सजाया है। एदी रिपीट थोड़ी जी कम करो, एदी जड़ी असल आवाज है वह खोलो, एक बटन होंगे उसके आवाज जरा करंट आ जाता है, आवाज अगे अगे भजदी है, इंज भरवी आवाज हो अगे अगे टुरे जोर ना लगे है नी नहीं नहीं इको चलाओ ना, इको थोड़ी चलाओ, हल्की जी रिपीट चलाओ, रिपीट ज्यादा ना चलाओ, हल्की जी रिपीट चलाओ। तवज्जो जरा, ओए पुत्रो ए तू हार भी पाया मेरा चन्न इत्थे आ अगे मेरे कोल उठ के टोपी वाले भाई की फज कीता ई नादरा, तू नादरा पढ़ के तेरा ये हाल ही फज करके तू मसीद चुक छड़ेगा माशाल। कोई पुत्र के ने हुण हरकत नहीं करनी, वड्डे छोटे बस मैं ना क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो इनशाला बस को 30-35 मिनट गुफ्तगू करनी है। थके तो नहीं तुसी? एक बारी ना सज्जा चुक के मुस्कुरा के पढ़ो सुबहान अल्लाह, इंज नहीं मुस्कुरा के पढ़ो यार, तुसी इवें दा मुस्कुराते हो, एक बार फिर मुस्कुरा के पढ़ो सुभान अल्लाह। मेरा हला मौजू हो रहे, मैं क्या चलो ना तुहाडा तो पता नहीं, मैं नात तद शुरू की ताकि थकावट लथ जाए यार, कोई पिछले लाइटा नहीं है पिछले हिस्से दे विच, कोई चलाओ जे है वे तो कोई दो ही ने यार, जलसा मुकदा ना हाथ सीधा होंदा तो लाइटा लवाओ सारिया मस्जिद दे विच हैं, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। हुण मैनू पिछले लभदे नहीं ओह की करदे पे ने की नहीं, ओह कईआं पिछे टेक लाई है, टेक छड्डो भाई है सारे, अब भाई तू रजाई भी लई है ते टेक भी लाई है ते मेरा चन्न एडी नींद तैनू आई अगे हो जा जरा, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए बाबा जी दे नाल जिहड़ा बैठा है। तवज्जो जरा, मुकड़ा नबी दा रब ने आप बनाया है चन्न ते सूरज नालों वध के सजाया है, शिखरा उचे ते किबला रब तब्दील करे,
उंगली उचे ते चन नू रब तहलील करे बंद मुठी विच रोड़ा नू कलम पढ़ाया ए चन ते सूरज नालों वद के सजाया ए चेहरा नबी दा रब ने आप बनाया ए चन ते सूरज नालों वद के सजाया ए। जुमला बड़ा प्यारा अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी असमत अंदर शान अंदर जिनू मजा आए प्यारा लगे इमाम तादा होए सज्जा चुके सुभान अल्लाह पढ़ने जुमला बड़ा प्यारा है। लब मुबारक जिदों भी आका खोल देने बन जांदे कुरआन आका जो बोल देने बन जांदे कुरआन आका जो बोल देने व मायंती को अनिल गवा रब फरमाया ए चंद ते सूरज नालों वद के सजाया ए चेहरा नबी दा रब ने आप बनाया ए चन ते सूरज नालों वद के सजाया ए। आवाज हुण बन गई है तेरी थोड़ी जी होर थोड़ी जी बना हुण तकरीबन 90% हो गई 10% हाथ होर मार यार एक बटन हुंदा है सौण वालियां नूं पता है मैं उहदा पता लवाना है वह बटन नूं हिलाओ ना ते करंट आ जांदा आवाज मौलवी का जोर ही नहीं लगता सौण बड़ा सोहना भाई इमरान तुहाडा ना आई भाई इमरान चन्न अल्लाह तेरे कारोबार च बरकत पाए इहनूं सोहना चला मेरे जुम्मे उनवान लगाया गया कि इस्तकबाले रमजान और फिक्र आखरत चूंकि भाई गुलाम मुस्तफा साहब दी खाला जान जो कि पिछले आज ही वफात पा गई हैं दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर रोशन फरमाए दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। बड़ा चंगा कीता जिहड़ा तुसीं जलसा कैंसल नहीं कीता फोत कीते वेखो किन्नियां बंदियां दे सामने दुआ हो रही है माशाल्लाह अक्सर जगह फोत कीते जलसा ही कैंसल कर छड़दे लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक ने अल्लाह पाक इन्हां दी इस मेहनत नूं कबूल फरमाए ते मैं जरा अगे कह रहा सरकारी साहब नूं कि कारी साहब की गल माड़े माड़े लगते पे हो दसोगे पिंड वालियां नूं खिच दईए भी कारी साहब का ख्याल क्यों नहीं रखते भाई अगली बारी असीं आईए तो कारी साहब जरा मोटे तादे होण है ते अगे नालों जरा फब्बे दब्बे होण ठीक है इंशाल्लाह अपने मौलवी नूं जरा खवाया पियाया करो चंगा माशाल्लाह तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह पाक ने फरमाया तबारक अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ही आवाज जड़ी मैं तेनू कहना हाँ बस रिपीट हल्की जी कम कर दे आवाज है ही बस जज़ाक अल्लाह गल बन गई तबारक अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور بابرکت ذات اللہ پاک دی ساری کائنات دا بادشاہ تے میرا اللہ اے فعال لما یرید تے میرا اللہ اے علی کل شیء قدیر تے میرا اللہ اے علیم بذات صدور تے میرا اللہ اے مل کے گواہی पाओ हाजत रवा कौन सजा चुको जरा मेनु तकरीर शुरू करन दियो जरा मेरे नाल बोलो हाजत रवा कौन मुश्किल खुशा कौन बिगड़ियां बनाउण वाला कौन आलुली मायुरीद कौन इको अल्लाह पाक दी जात दे सारी कनाब दा बादशाह मेरा अल्लाह है क्यों ना मैं आगाद अंदरी तो गीत दा तराना पढ़ाओ अपने सफर दा मुल पावाओ कि हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदा आए
सजदा कराम लोगो बिन रब दे मसीबा आए। बड़ा प्यारा जुमला नागनु अकरब इलैही मिन कबलिल वरीदे आले विलब दसीडी बंदा बड़ा अजीबे पल्ला दस गा उस तो वद के तेरे केड़ा करीबे दुखिया बीमार दाओ कल्ला ई आसरा आए। हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए मिलके तुसी मेरे नाल कोरी गवाही पाओ। हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा आवाज नहीं आई आवाज नहीं आई। हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदा इको अल्लाह। हजरत जी अल्लाह पाक तो कुरान बड़ी तो जो तलबाब दे अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद ऐलान फरमाया है। उस तो बाद अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी आया मुबारक आए अल्लजी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। ओ कायनात दे लोगो अल्लाह जी फरमा रहे ने अल्लजी खलकल मौत ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੋ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਸਾਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤ ਵਲ ਹਯਾਤ ਲਿਯਬਲੁਵਕੁਮ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਉੱਠਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਏ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤ ਵਲ गरीबां दे हक नहीं जे मार दो मरना याद चंद टक्कियां दी खातर ईमान दे सौदे नहीं कर दो मरना याद होए ना बंदा चंद टक्कियां दी खातर अल्लाह पाक दियां मुलाकातां पंज नमाज़ां मिस नहीं कर दो पूरी तवज्जो करो ना मैं बात दर्द कर देना लोगो मौत दा मकसद इक्को ही है ताकि दुनिया दे आउण वाला दुनिया तो जाए तेरा बराबरी करके जाए दुनिया तो जाए ते रब मना के जाए दुनिया तो जाए ते कबर बना के जाए दुनिया तो जाए ते खशर बना के जाए अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुस्तफा अली सलाम ने फरमाया अकसिरु ज़िक्रा हादिम लज़्ज़ातुल मौत मौत नु कसरत नाल याद करिया करो ए मौत लज़्ज़त तोड़ देंदी जे ए मौत मान तोड़ देंदी जे ए मौत गरूर तोड़ देंदी जे मौत तकब्बुर तोड़ देंदी जे मौत यारियां रिश्तेदारियां तोड़ देंदी जे मौत नु कसरत नाल याद करिया करो। फिर वीरियो एनु आनंद रहण वालियो
मौत याद ना बंदा रब तो दूर नहीं जे जांदा मौत मरना याद ना एक गल याद रखिया कर वीरा बल तो सिरू नल खयात दुनिया वल आखिरा तू खैरू अब काओ ए दुनिया मिट जान वाली ए दुनिया फना हो जान वाली ए दुनिया खेल तमाशा ए दुनिया लगो मलाई ए दुनिया धोखे का समान ए दुनिया गत दी मैं दुनिया मताव कलील ए दुनिया थोड़ी जई आखरत बड़ी वड्डी है 50 साल दी जिंदगी दी खातर ओ 50,000 साल दे कदे नो ना भुलिया कर मीरा नौजवाना खुदारा अपनी जवानी दे 10 साल दा इंजॉय करदा करदा ओ 50,000 साल दा एक दिन बर्बाद ना कर बइयो वीरा ओए नौजवाना सारी जिंदगी मेल तक करी जाना है मेरा लिबास सब तो आला हो जाए मेरी जुत्ती सब तो आला हो जाए मेरी कोठी ते बंगला ते कार सब तो आला हो जाए सारी जिंदगी मेहनत कर लेना लेकिन एक वक्त आएगा तेरा लिबास कब जड़ा है कफन बन जाएगा तेरा मकान कच्ची कबर दी डेरी बन जाएगा मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया ते मिट्टी मौत दा गैना मिट्टी तो अनमोल बावे ते मिट्टी मोल नहीं ओ पैणा ओए वीरा ओए नौजवाना एक दिन मार के मिट्टी नाल मिट्टी हो जाणाई आकड़ा का दियां ने माण का दाए गुरूर का दाए ते तकबर का दाए थोड़ा की ते बोता की सोना की ते माड़ा की चंगा की ते कमजोर की ए दुनियादारी दियां गल्लां ने रब वाला जा रब नु मना के दुनिया तो जाओ आखरत दा फिकर करके दुनिया तो जाओ इस दुनिया ते कोई सदा नहीं जे रहना आया कोई हमेशा नहीं जे बहन आया ए दुनिया चलो चली दा मेला है अज कदी किसे दे जनादे पढ़ना है कल तेरे जनादा पढ़िया जाएगा अज ना स्पीकरा चोण वाले ऐलान सुनना है फुला दुनिया तो चला गया कल अचानक ही तेरा भी ऐलान हो जाएगा लोग यकीन नहीं करनगे लोग कहणगे हुणे ते मेरे नाल बैठा जी हुणे मैनू कॉल कीती है हुणे मेरे नाल गल हुई है हुणे मेरा राबता होया है लेकिन पता नहीं जे चलदा किदों मौत दा पैगाम आ जांदा है सदा न बागी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बगारा सदा न मापयो हुसन जवानी ते सदा न सो बतियारा जेड़ी दुनिया पिछे लग के रब नाल बेवफाइयां कर लेना जेड़ी दुनिया पिछे लग के नमाज़ां भी तरक करी जा रहे आए जेड़ी दुनिया पिछे लग के अल्लाह दे दीन तो दूर हो गया रब दे कुरान तो दूर हो गया ओए नौजवान ओए वीरा किसे दे नाल वफा ना कीती ए दुनिया बेतबारी वीरा इथे दिल ना लावी नीता रोसे जांदी वारी और ए दुनिया दिन चार दिगाड़े अते उड़ के ए तो जाना कर कुछ फिकर कबर कयामत ते जिथे नित ठिकाना ए दुनिया बेवफा है वीरा किसे दे नाल वफा नहीं कीती इन्हें यारा पिछ लग के कबर खराब ना कर इस औलाद पिछ लग के अपनी आखरत बर्बाद ना कर वीरा कल्ला ए ते आया ए ते कल्ला ए तो जाना दिया पुत्ता तेरे आना काम तेरे
आड़ाई ते जीना ले तू दीने राती करे घेरा पेरिया कबर नोडी का रोज रेंदियान तेरिया मौत रोद तेरे घर मार दिए फेरिया पढ़िया करना कुरान फरमाया कुल्लु मन अलई गाफान वया बका वजू रब्बी का दुल जल आली वल इकरार। कुरान सुनन दिल करदा जे यार बाबा ही थके लगते हो मैनू ना आवे ना कई बंदे विचों थके पे ने भावें थके हो लेकिन मुजाहरा ये करो सी थके ही नहीं। मैं ना अल्लाह ताला दी फजल है ओदी रहमत है वरना असी ते इन्नी जोगे भी नहीं। परसों रात सियालकोट दो तकरीरां कीतियां नहीं उस तो पिछली रात सियालकोट दो तकरीरां कीतियां सियालकोट तो 650 किलोमीटर का सफ़र करके गए रहीम यार खां खानपुर उत्थे उन्हें मेरी तकरीर करवाई राती 4 बजे मैं उत्थों वापस आया वापस आके तो फिर कल दी जिहड़ी रात सी वो पहली तकरीर की लीला इंटरचेंज उत्थों 200 किलोमीटर अगे जाके दूसरी तकरीर की खुशाब तो अगे आधी कोट जिथों ज़िला पखर शुरू होंदा है फिर उत्थों 350 किलोमीटर सफ़र करके घर गया घरों फिर मैं तुहाडे कोल इत्थे फैसलाबाद आया उत्थे 2 तकरीरां करके तीसरी तकरीर तुहाडे कोल पिया करना तो 2-2 घंटे विच सौण दा टाइम लब्भा तो मैं एडा हशाश बशाश हो के बैठा तुहानू वेख के मैं खुश हाँ तो मैनू वेख के तुसी खुश क्यों नहीं होंगे। तुसी भी सारे भाई अपने बार भी बोलो यार तुसी भी सारे मैं कहना बयान ना अगली बार ते रख लीए दुआ करने बयान अगली बारी से एक बारी सज्जा चुके मुस्कुरा के पढ़ो सुबहान अल्लाह लोग हजरत अल्लाह पाक तो कुरान मैं ना थोड़ा जहा कुरान पढ़ना चाह रहा हूं फरमाया अल्लाह जी ऐलान फरमा रहे ने ईमान वाले हो अल्लाह पाक तो डर जाओ ते अपने अपने गरीबाना च नजर पा लो अल्लाह पाक तो डर जाओ अपने मां दी ते नजर दौड़ा लो अल्लाह पाक तो डर जाओ अपने नामे अमल से नजर दौड़ा लो हुण तक अल्लाह पाक सामने की करके दिखाया जे अपनी कबर ते हशर दी की तैयारी की है आज नहीं तो कल दुनिया तो चले जाना है की तैयारी की है दुनिया तो जान दी की तैयारी की है कबर अंदर जान दी कबर नु रोशन भी करके जा रहे हैं या उन्हें कोठली चो भी टुरिया जा रहा है। अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया कुल्लो नफसी इकतुल मौत व इल्मा तो फौना ओ जूरा गुम यौम अल कियामा फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिल अल जन्नता फकद फाज व मल गयात दुनिया इल्ला मता उल गुरूर। अल्लाह कुरान नाल प्यार नसीब फरमा दे अल्लाह कुरान पढ़दे मौत नसीब फरमा दे अल्लाह कुरान पढ़दे मौत दे दे अल्लाह कुरान पढ़दे मौत दे दे। दुआ बड़ी प्यारी है दो जुमले पढ़दे दुआ दे मैं तुहाड़े सामने दुआ या दो जुमले पढ़ना अल्लाह जी जिन्हें भी बैठे ने वैसे ना ताड़ी अजे तक हुण थोड़ी जी तुसी तवज्जो कीती है ते हुण मैं तकरीर शुरू करन लगा अगे दा तुसी अगे तवज्जो नहीं पे करदे ते मैं क्या हुण की इन्हां नूं सुनावां पूरी देखो ना या ते बंदा हफजी तकरीर रट के आए इंज सुट्टे ते ओ जाए अहीं ते भाई तुहाडा मूंह वेख के तकरीर करन वाले आ तुसी हसना या मुस्कुरा के तवज्जो नाल तकरीर सुननी है ते अगे गल आउंदी जानी है कुरान दी आयतां हदीसां आउंदियां जानियां ज़ेहन जो तुसी इंज 12 बजे वजा के बहना मौलवी टाइम वेख
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤਵਜੋ ਤਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਅਸਲ ਚ ਕਸੂਰ ਹਫ ਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾ ਨਾ ਲੇਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੇਲਾ ਲੈਣ ਚੱਲਣਾ ਆਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਪੜ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ 40,000 ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਕਾਹਦੀ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲ ਜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਲੇਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਮੰਡੀ ਚ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਏਗੀ ਪੈਸੇ ਰੱਬ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਲੇਲਾ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 12 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਲਾ ਸਾਫ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਪਰ ਆਖਿਰ ਗਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਫ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਹਤੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਹੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਦਤ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਜਣਾ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਅੱਲਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਏ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੁਣ ਬਸ ਤੇਰੀ ਏ ਹੋ ਜਾ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੱਬ ਮੋਹਦੇ ਸਜਾ ਚੁੱਕ ਬੜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਲੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹੋ ਆਮੀਨ
अल्लाह दा फजल है पिछले दिनों दो हिंदू ने बच्चियां नू कलमा पढ़ा के मुसलमान अल्लाह पाक ने मेरे कोलों अजीम काम लिया। अल्लाह तेरा फजल है, अल्लाह तेरी रहमत, मैं गुनाहगार कितने सकाबर। अल्लाह बाद अल्लाह मैं तेरी तौहीद सुनांदा रवा, मुशरक नाल आड़ा लांदा रवा, ते बिदती नू बिदती आंदा रवा, जो मर्जी कहे जहान अल्लाह असी पढ़ते रहिए। इन्ना बुलंद पढ़ो कुरान अल्लाह पूरे पिंड च आवाज जाए, अरशां ते रब राजी हो जाए, कबूलियत दियां घड़ियां मिल के वादे असी पढ़ते रहिए। सज्जा ते चुक ते मुस्कुरा के मिल के मेरे नाल पढ़ो। सज्जे खब्बे में को जड़ा नहीं पढ़ता, जड़ा सुता है उन्हों कुणी मार के जगा लो। असी पढ़ते रहिए, असी पढ़ते रहिए, साड़ी पढ़ते आ निकले जान अल्लाह। ते मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा लोगों, आज अल्लाह पाक ने कुरान वाला आ जाओ। ये दुनिया सदात नहीं नरेगी, ये दुनिया खत्म हो जान वाली है, दुनिया फना हो जान वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते ने, ऐ दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना है, काफर वास्ते जन्नत है। काफर अयाशियां फगाशियां ते ऐशो इशरत करता है, मोमन गुलामां दी तरह जिंदगी गुजार मस्जिद अंदर अपना गल्ला करके जिंदगी गुजारदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुआ करियो करदे सन, अल्लाह गरीब रखी ते गरीबा विचों ही उठाई। अज तेरी हर नौजवान ते हर बच्चा दिन रात पैसा हो पैसा हो पैसा हो, दौलत दौलत दौलत, बस सुबह होए मैं अमीर हो जावां, सुबह होए ते मेरे को दौलत आ जाए। मुस्तफा अली सलाम दुआ करिया करदे सन, अल्लाह मैनू गरीब रखी, कल के आमद तू गरीबा विचों ही उठाई। नबी दे यार ने सवाल कर लिया, अल्लाह दे नबी जी क्या तुहानू मालो जर नहीं चाहिदा, क्या तुहानू आसाइश ते आराइश नहीं चाहिदी? अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, सहाबियो किन्नू केदा दिल नहीं करदा दुनिया ते चंगा मालो जर होवे, लेकिन जिन्ना दुनिया ते माल होएगा ओडा लंबा कल के आमद नू हिसाब होए। मैं मुहम्मद इतना लंबा हिसाब नहीं दे सकता, इमाम लंबिया कह रहे ने, इमाम लतकिया कह रहे ने, इमाम ना फिर दुनिया व इमाम ना फिर आखिरा व इमाम ना फिर जन्ना, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन मजी मुजमईर इब्ने प्यारे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे ने कि दुनिया तू जावा ते इना कुछ ला के जावा जड़ा हिसाब आसान हो जाए। हालां मेरे मुस्तफा मसूमन खता ने, मेरे नबी जैसा दुनिया ते कोई नहीं जाया, मेरे नबी जड़ी मेरे नबी दी जात बेमिसाल जात लाजवाल जात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लोगों ऐसा मेरे मुस्तफा ने सबक दिता है। ओ दुनिया ते जिंदगी गुजार, ऐसी जिंदगी गुजारना कि कल कियामत नु हिसाब आसान हो जाए, हिसाब अंदर मुश्किल हिसाब आसान हो जाए। मेरे आका दे कि यारे जदों आखरत दा फिकर पै जाए ना, ये दुनिया चंगी नहीं ज लगदी, फिर रब नाल गल्लां करना चंगा लगदा है, रब नूं मनाना चंगा लगदा है, रब नाल यारियां चंगियां लगदियां ने। मैं अर्ज कर देना, आओ हुण इंशाअल्लाह इस्तकबाले रमज़ान दे हवाले नाल गल करिए। दराओ छे गल्लां मैं तुहाडे नाल करनियां ने, किनियां? बारह वजन एक सवा एक हो गया, छे नहीं हो सकनिया। अजान किन्ने घंटे रेंदे ने? अजान किन्ने घंटे रेंदे ने? चार या तीन? तीन घंटे, चार घंटे रेंदे ने। चलो चार गल्लां कर लैने, सुनोगे इंशाअल्लाह। की है? छे करिए। चलो फिर फजर तो बाद दो घंटे ला लांगे। तो जो है माशाअल्लाह, मैं जड़ी बात दर्ज कर ओ इंशाअल्लाह। वेखो ना, साल बाद जलसा होंदा है ना, वड्डा जलसा, वो एक रात रब दी राह च ना वक्फ करके आया करो, कश्तियां जला के आया करो। आला वेखो ना, मैं तो 20-25 मिनट तकरीर करां ते जावां, गड्डी खिंचां ते जाके सोवां, मैनू केड़ा किसे पुछना है।
मका के तो अं भी नहीं ना आए कि इन्नी देर करांगे तो इन्ने लवांगे, ना ऐसा कोई मसला नहीं। असल च मैं तो भाई सीधा साधा मौलवी हाँ, मैं नहीं अजे डायलॉग मारदा कि मैं पैसे नहीं लेता, मैं वो सारे पैसे लेंदे, कोई ऐसा इन्हें नहीं लेंदा। मैं तो सीधा कहना भाई मैं पैसे लेना तो लेना भी चौखे हाँ, थोड़े बहुत नहीं लेंदा मैं पैसे, सीधी गल खरे बनना चाहिए। क्यों नहीं लाला जी, गल सच्ची तो खरी सीधी तो खरी गल, जड़ी गल दिल च ते ओही मुंह ते ते, जड़ी गल तन्हाई च ते ओही लोगां च। आओ गदर जी बात बड़ी तवज्जो तलब है, मैं जड़ी बात अर्ज कर चलो जो नहीं 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 चलेगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है, मैं जड़ी बात अर्ज कर रहे हो, असी इंशाल्लाह सिद्धे ते सादे खरे ते सच्चे लोग आओ, जड़ी गल दिल अंदर है ओही जुबान दे उपर गल होनी चाहीदी है। लो इस्तकबाले रमजान दे हवाले नाल गल करिए, कई फतस्तकबिलून रमजान अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, पूरी तवज्जो करो ना, इंशाल्लाह मैं 20 मिनट अंदर पूरी बात मुकम्मल कर सक रहा हूँ अगर पूरी तवज्जो करोगे। कई फतस्तकबिलून रमजान, रमजान का इस्तकबाल किवें करिए, आओ तुसी आमीन कहो तो मैं दुआ कराओ, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। लो रमजान मुबारक दा महीना मारे आए, मुस्तफा अली सलाम ने इन करके मिंबर दी सीढ़ी ते कदम रखे आए, आपने आमीन आखिया 3 दफा, आपने 3 कदम रखे 3 पोडे, 3 दफा मुस्तफा अली सलाम ने आमीन आके आए। ते वापस सवाल कीता, अल्लाह ते नबी जी रूटीन तो घट के अमल कीता जे, वजह की है सबब की है? फरमाया जिब्राइल अली सलाम आए ने, उन्हें बद्दुआ फरमाई है जिदी जिंदगी च रमजान आए और रमजान की कदर ना करे, रमजान का इहतराम ना करे, रमजान के अंदर रमजान का ख्याल ना करे, रोजेदार का ख्याल ना करे, उदे दिल पाक दी लानत वसे, मुस्तफा दी लानत वसे, फरिश्तियां दी लानत वसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आमीन कह दिता है, मतलब वे जिहड़ा रमजान दा कदर नहीं करदा। कुछ ऐसे भी बदबख्त ने जिहड़े रमजान विच भी लानत दा कमाई जा रहे ने, लेकिन असी रहमत कमाणियां ने, असी बरकत कमाणियां ने, इंशाअल्लाह 6 कम रमजान तो पहले पहले कर लो। नंबर अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, जिहदा अकीदा बातल है उहदा नाम है अमल भी बातल है, जिहदा अकीदा बातल है ना उहनूं उहदा भुखा रहना भी फायदा नहीं देगा, उहदा प्यासा रहना भी फायदा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह पाक दा कुरान है फरमाया इल्लल्लाह ला यगफिरु अय्यशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह जी नहीं माफ करनगे, मेरे अल्लाह जी नहीं पाक करनगे, जिहड़ा अल्लाह पाक नाल शिरक करदा है मेरे अल्लाह पाक उहनूं ना। यार तवज्जो भाई तवज्जो, आपस अंदर भाई कोई बंदा बात ना करे, बात करन दिओ, मैनूं समझ आ रही है, थोड़ी जी रिपीट काम कर, थोड़ी जी हल्की जी, समझ आ रही सारे साथियों नूं, बस बात मैनूं करन दिओ, इह 5-6 गल्लां बड़ियां अहम ने ताकि कोई जलसे का मुल पवे, तुहानू कोई बात समझ आए, तुसी कुछ लैके जाओ, झोलियां झाड़ के ना जाओ, एम तुहाडे को गल्लां सुननियां भी ने। पहली गल पता की है, अकीदा दुरुस्त करो, अकीदा है तौहीद, पहली गल की है अकीदा है तौहीद, याद कर लो, मैं किसी नूं भी खड़ा कर सकना पूरे मजमे दे अंदरों, पहले नंबर ते अकीदा तौहीद दुरुस्त कर लो, जिदा अकीदा तौहीद ठीक नहीं उन्हों रमजान फायदा नहीं देगा। लो दूसरी बात मैं अर्ज कर देना, लोगो रमजान मुबारक दा बा बरकत मगीना आ रहा है, ऐ जड़ियां बिदात तो बच जाओ, कुल्लो बिदअतिन ज़लाल व कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम दा रस्ता है, बच जाओ जहन्नम दे रस्ते कोलो, बच जाओ जहन्नम दे रस्ते कोलो। देखो रमजान होण वाला है, मौलवी स्पीकर खोलदा है, वाबे सौ में गदे नवई तू मिन शहरी रमजान, मौलवी तेरा गिरबान कोई पकड़े ते पूछे, दस नीयत मेरे मुस्तफा ने कीती के नहीं, दस सिद्दीक ने पढ़ी के नहीं, उमर ने पढ़ी के नहीं, उस्मान ने पढ़ी के नहीं, अली मुर्तदा ने पढ़ी के नहीं, मैं नीयत के खिलाफ नहीं हूं, नीयत करनी चाहिए, इन्नमल अम
माल बिन नियाद अमला ददार मदार निजतां ते लेकिन जड़ी नीयत मौलवी तू करना है मेरे मुस्तफा तो साबत नहीं जड़ा अमल मेरे नबी तो साबत ना होए ओ अमल गुमराही है गुमराही जहन्नम दरस्ता है मौलवी आप भी जहन्नम दे रस्ते ते पै गया है लोगों नु भी उधर लेके जा रहे नहीं दुआवां मैं भी पढ़ना लेकिन जड़ी मेरे मुस्तफा ने दसीए हां नियत करो रात तरावी पढ़ते हो ते नियत सुबह रोजे दी सुबह सहरी खांदे हो ते नियत सुबह रोजे दी बह जा पुत्र बह जा की होया ई हुण मदनी साहब दे कहन तरह खरे केड़े चुमणे लड़दे ने अल्लाह तवज्जो पूरी गल सारी अगे पिछे कर देंदे ने मुंडे पूरी तवज्जो मैं जड़ी बात अर्ज कर रिहा बिद आप तो बच जाओ रमजान आया मौलवी जी स्पीकर खोलदे ने लू जी करके चला देंदे ने ओए की करने मौलवी कितों हिसाब दे अजान हो जाए खाना पीना बंद कर दियो अजान हो जाए ते रोज़ा इफ्तार कर लो नाले भी पढ़ लो जाखा बजमाऊ व बदल तिलो रू भुखे रहना पे कल कयामत दा दिन करके तू अपना रमजान लैके आए अपना मिलाद लैके आए अपने कुल ते 40वें ते साते लेके आए इधरों ऐलान हो जाए आ मिला तू नासिबा तसला नारन खामियों इदिया सारियां नेकियां नु जाया कर दिता जाए की फायदा मौलवी कल कयामत नु तो इन्हां लोगों नु लेके आए मुस्तफा दे खुद कौसर तो पीछे दीवार घायल हो जाए अल्लाह वल्लों ऐलान हो जाए सोह कन लिमन गैर आबादी दफा हो जाओ दफा हो जाओ दफा हो जाओ ए ओई बदबخت ने जिन्ना मेरे मुस्तफा दे दीन नु बदल दीदा है मौलवी जी अली उम्मा अकमल तुलकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रजी तुलकुम लि सलाम दीना दीन मुकम्मल हो चुकी आए हुन ओ गल दीन नहीं हो सकदी जड़ी कोली ते फेली ते गरफी हदीस ना होएगी मिल के तुसी मेरे नाल गवाही पाओ पूरी तवज्जो दे नाल ओ बात दीन नहीं जड़े मुस्तफा दे मुंह विचों नहीं निकली ते असी अज दे किसे मौलवी दे कोल ते फतवे नु दीन मन दे ओ किसे दा कोल ते फेल ते फतवा असी दीन मन दे मुस्तफा दी बात दीन लो दो गल्लां हो गईयां आओ मैं तीसरी गल भी तुहाडे सामने अर्ज कर देना हलाल कमाओ ते हलाल खाओ हलाल कमाओ ते मिलके बोलो हलाल कमाओ ते हलाल खाओ जिहड़ा बंदा करां पूरी तवज्जो दरा मैं बस दो दो तीन तीन मिनट गुफ्तगू करनी है एक एक पॉइंट ते लेकिन अल्लाह दा वास्ता जिन्हां नूं याद करो ते अपने रमजान नूं बरकत रहमत इज्जत शान ते मुकाम वाला बनाओ फरमाया हलाल कमाओ ते हलाल खाओ जिहड़ा बंदा हराम खांदा है ना अल्लाह पाक दा कुरान कह रिहा है अंबिया नूं भी अल्लाह पाक ने नसीहत फरमाई है फरमाया या अय्युगर रुसुलु कुलु मिनत तैयबाती वअमलु सालिहा ए अंबिया दी जमात हलाल कमाओ खाओ हलाल खाओ ते पकीदा खाओ अल्लाह पाक दा कुरान ते दूसरे मुकाम है वकुलु मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तैयबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून तीसरा मुकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
کلو من طیباتی ما رزقناکم. چوتھا مقام فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا. لوگوں حلال کھاؤ اور گل سمجھیاں جے ذرا جیڑا حلال نہیں نہ کھاندا حرام دا لقمہ جے پیٹ اندر چلا جاندا اے اللہ دی اللہ تو اس بندے تو اللہ دی رحمت میلو دور چلی جاندی اے جڑا حلال نہیں نہ کھاندا حرام دا لقمہ پیٹ اندر چلا جائے کئی دن تک اللہ دی عبادت قبول نہیں کر دے حرام دا لقمہ پیٹ اندر چلا جائے نا کہ میرے اللہ اس بندے دی دعا بھی قبول نہیں کر دے تو میرے مصطفیٰ ول ویکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے گرمی دا روزہ رکھے آئے سارا دن میرے آقا پاک نے روزہ رکھے آؤ شام دا وقت ہویا نا آپ دی پیاری سے خوابی آؤ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کر کے ایک پان دودھ دا پیالہ بھیجے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دا پیالہ واپس لے جاؤ پوچھ کے آؤ ام عبداللہ کولو یہ دودھ کتوں آیا ہے کیویں آیا ہے دیکھو میرے مصطفیٰ تحقیق کر رہے نے پھر نبی پاک کولو پیغام آیا ام عبداللہ فرماندیاں نے دودھ میں خود دویا ہے خود چویا ہے بکری دا پھر پیالہ واپس میں جی آئے فرمایا پوچھ کے آؤ بکری کتوں آئی ہے بکری کہہ دیے تے کتوں آئی ہے ام عبداللہ آپ آئیاں نے عرض کر دیے نے سونیا میری ذاتی بکری ہے آپ دودھ دویا ہے تے تواڈی افطاری واسطے دودھ بھیجیا ہے تاکہ تسی دودھ نال افطاری کرو تے میں میرے واسطے دعاواں بھی کر دیو اے میرے آقا پاک نے کی کر رہے نے آکھو گے غاف جی حرام کینوں کہ جاندا ہے جھوٹ مار کے کمائے گا تے حرام ہے سودی کاروبار کرے گا تے حرام ہے شراب بیچے گا تے حرام ہے سود خوریاں کرے گا تے حرام ہے جھوٹ مار مار کے جاؤ پورے بازار دا چکر لگاؤ نا ایک جڑا درجن کیلے پیچھے ایمان وچ ہی جہ رہیا ہے ایک کلو آلواں پیچھے قسمہ چوک کے ایمان ضائع کیتی جا رہیا ہے ایک سوٹ دی خاطر دو چار سو دی خاطر جھوٹ ماردا ہے کون ہے کہ یار جھوٹ نہ ماریا کر کہ نقاب جی کی کریے جھوٹ نہ ماریے تے مال وکدا ہی نہیں جھوٹ نہ ماریے تے مال وکدا ہی نہیں کدی تو مصطفیٰ دی سیرت پڑھدا تینوں پتا چلدا تجارت تے ہوندی سچ دے سر تے وے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک دا جی ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نندن لکھا نہیں ہویا تے نبی پاک ماں جی خدیجہ دا سامان لے کے ملک شام اندر گئے رے تجارت دا مار کھجور لے کے دیگر جڑے اناج لے کے گئے رے نال دوسرے بھی تاجر رے رستے دے اندر بارش ہو گئی ہے تے سمجھڑا مال سامان بھج گیا ہے مصطفیٰ منڈی ملک شام دی منڈی چ پہنچے نے آپ نے جا کے سامان دے دو ہی سے کیتے میرے مل ویکھے اج ادھر آ ایک خوشک الگ کر دیتا تے تار الگ کر دیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا اللہ جڑا تارے اے دا الگ ریٹ اے جڑا خوشک اے دا الگ ریٹ اے جڑے باقی تاجر نے انہاں سامان مکس کیتا مکس کر کے تے سارا اکو ریٹ تے لوکاں نوں دھوکے تے فراڈ نال بیچ دیتا اے اے تاجر کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کمائیاں کر لیاں مصطفیٰ نے سچ بول کے ایمانداری نال مال وچ آئے طریق گوائے سب تو زیادہ نفع کمایا ہے تے سونے مصطفیٰ نے کمایا ہے سچ بولیا کر سچ بولیا کر میرے بال میں کیا جے خلال کماؤ تے خلال کھاؤ جڑا بندہ غرام کماندا اے غرام کھاندا اے اون سب تو بڑا نقصان ہوندا اے اودی اولاد نو جتیاں مار دیے اودی اولاد دی گستاخ ہوندی اے اودی اولاد دی نا فرمان ہوندی اے اودی اولاد دی سکی نہیں بندی جڑا بندہ غرام اپنی اولاد نو کھلاندا اے لو میں چوتھی بات عرض کرنا چوتھی بات بڑی اہم بات ہے اپنی نیتاں نو خالص کر لو نیتاں نو ریاکاری چھڑ دیو ریاکاری چھڑ دیو نیت خالص عمل کے دے واسطے
अमल अल्लाह वास्ते, अमल अल्लाह वास्ते, किवें दा अल्लाह वास्ते, जिवें मेरे आका मिराज ते गए ने ते अल्लाह पुछदे ने सोहणिया की तोहफा लै के आयो, तुसीं वी तोहफे दो ना अल्लाह पाक नूं। फरमाया अत्तगिया तू लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैबातु, मैं तुहाडे वाला जी, मेरा जीना तुहाडे वास्ते, मेरी नमाज तुहाडे वास्ते, मेरी पकीज़गी तुहाडे वास्ते, या कुरान पढ़िया करना। फरमाया कुल इल्लसलाती वनुसुकी वमगियाया वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या पढ़िया करना कुरान, जो हज़रत इब्राहीम अली सलाम ने कहा, इन्नी वज्जा दुआ जिगिया लिल्लज़ी फतर समावाती वल अर्द खनीफा वमान मिनल मुशरिकी। पढ़िया करना कुरान पाक, नीयत खालस, रियाकारी तो बच जाओ। किन्ने अमल हो गए? किन्ने? पहला, दूसरा करनी बचना, तीसरा की है हलाल रिज़क नू की करना है, खाना है हलाल कमाओ ते हलाल, चौथा अमल नीयत खालस कर लो। नीयत लो, पंजवीं गल करिए ते बड़ी आगम पंजवीं गल, दिलां नू साफ कर लो, दिलां नू ओ दिलां नू, जेदा दिल साफ नहीं ओदा नाम है अमल भी साफ नहीं, जेदा दिल साफ नहीं ओदी कबर भी साफ नहीं, जेदा दिल साफ नहीं ओदी हशर भी साफ नहीं, जेदा दिल साफ नहीं ओदा अमल किवें कबूल होएगा। ए दिलां नूं साफ कर लो, दिल साफ होए ना ते रब बड़े ही मुल पाउंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक प्यारा सहाबी है साद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें जन्नती मेरे साथ नूं वेख लो। नबी पाक दे सहाबी दे नाल घर चले गए, दो रातां इहदे घर गुजारियां ने, कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया जिहड़ा सारिआं तों घट के होए। पुछ लिया ते पुछदे ने, आंदे ने यार केड़ा अमल करना है जिहदी वजह तों तेरे ते अल्लाह राजी है, जिहदी वजह तों मुस्तफा अली सलाम ने तैनूं जन्नत दी बशारत दित्ती है। कहिंदे ने इक्को ही अमल करना, रात नूं सौण लगना वा दिल साफ करके सोना वा ते सारे माफ करके सोना वा। इस सहाबी की उम्र है, इस सहाबी हजरत साध ने कलमा पढ़िया 30 साल की उम्र च, किन्नी साल दी? 38 साल की उम्र च फोत हो गए, ते 7-8 साल दीन च गुजारे ने। जदों फोत होए ने ना, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ता आसमान तो इन्हां दे जनाजे च शामिल कर दिता है। दिलां नूं साफ कर लो, दिलां नूं अपने भाई नूं माफ कर, अपनी बहना नूं माफ कर, सीने लगा जा के अपने भाई ते बहना नूं, बहना छोड़ दिल नूं साफ कर। रमजान उल मुबारक आ गया है, भाई माफ कर, रमजान उल मुबारक आ गया है, यार दिलों कोई गल है ते खत्म कर, रमजान उल मुबारक आ गया है। कई फतस्तकबिलू न रमजान, नबी पाक दे सहाबी फरमांदे ने, असीं रमजान तो पहले आपस एक दूसरे को माफिया मंगन लग पेंदे, यार तू माफ करेगा ते अरशां दा रब भी माफ करेगा, आपस अंदर मुहब्बत फैलाओ, माफ करो सारे अनु, सिला रहमिया करो, खता रहमिया ना करो, आपस अंदर सुलो करो। 3 दिन तो ज्यादा जिहड़े आपस नाराज रहिंदे ने, अल्लाह उहनां दे अमलां नूं कबूल ही नहीं करदा, अल्लाह उहनां दे अमलां नूं मुनकते कर देंदा है। 5 गल्लां हो गईयां, बोलो किन्नियां? हुण आखरी गल करिए, आखरी गल बड़ी प्यारी। पहले ना मैं कुरान की आयत तुहानूं सुनानी है, सुनावा ये आयत हजरत एडी प्यारी है, एडी सोहनी है। मैं ना चलदा फिरदा ना कल्ला गुनगुनांद, गड्डी च भी कल्ला मैं इस आयत नूं पढ़दा रहना, ये आयत नूं गुनगुनांदा रहना। लो जी आखिरी गल है ते गल बड़ी प्यारी है, हुण पूरी तवज्जो, जिन्हें खजे तक भी तवज्जो नहीं कीती ओ हुण मेरी गल ते पूरी तवज्जो करेगा। फरमाया सारियो इला मगफिरा, सारियो इला
مغفرتی من ربکم و جنتی نعرضو گاو اللہ جی فرما رہے نے وہ لوگوں ساری الہ مغفرہ دوڑ لگا کے آجو میری مغفرت مل دوڑ لگا کے آجو میری رحمت مل دوڑ لگا کے آجو میری جنت مل دوڑ لگا کے آجو میری رحمت مل دوڑ لگا کے آجو میں رب دے قرآن مل میری مساجد مل میں رب دی جنت مل آجو دوڑ لگا کے آجو اللہ جی فرمارے نے فوتی گاتا بواب سماؤ میں اسمان دے دروازے بھی کھو دیتے نے رمضان مبارک آ گیا فوتی گاتا بواب رحمہ میں رحمت دے دروازے بھی کھو دیتے نے رمضان مبارک آ گیا فوتی گاتا بواب الجنہ میں جنت دے دروازے بھی کھو دیتے نے رمضان مبارک آ گیا وغلقت ابواب جہنم جہنم دے دروازے نو لا کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے رمضان مبارک آ گیا وقت صفاد فی شدید شیطانہ نو بن دیتا ہے رمضان آ گیا ہے ساریو الہ مغفیرہ دوڑ لگا کے آج اللہ دی مغفرت وال امانداری نہ دسو نا دو تین من بزر بندے نے کدیاں تے اٹھایا ہوئے دوڑ نہ چاہے تے دوڑ لگا سکدا تین من جو وزن چکیا ہوئے موڈیاں تے تے بندہ بھجنا چاہے بھج لے گا میں تاڑے تین من موڈیاں تے وزن رکھ کے بھجا کے ویکھ لینا جڑے نہیں بولدے او بندہ تین من موڈیاں تے وزن رکھے تے بھج لے گا نہیں سادہ سوال ہے بولو تے صحیح تین من بندہ وزن موڈیاں تے چکے پھر پیچھے او دے کتا لگ جائے ہیں تے پھر بھج لے گا تو وزن سٹے گا گل سمجھن والی ہے ساڈے کندیاں تے گناہاں دا وزن بڑھائے ساڈے سر تے گناہاں دا وزن بڑھائے تائی تے رمضان دیو خوشی نہیں تائی تے او لگ لگا نہیں تائی تے او بخار نہیں تائی تے او جڑا اے رونقاں نہیں کیونکہ جے رمضان آئے تے رونقاں لگ جاندیاں نے اوے واہ واہ رونقاں مانگے رمضان دیاں پڑھ مینو ایک بھائی نے کیا سی شعر سنا دیا جی لازمی دو تین شعر پڑھ دینا جی تسی کہو تے گفٹ ویسے تحفہ ہے رمضان دا رمضان دا تحفہ ایک بڑی سجا چک کے پڑھو سبحان اللہ واوا رون کم آگے رمضان دیا پڑھو پڑھو سبحان اللہ واوا رون کم آگے رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا لو جی آ گیا رب دا پرونا جے لو جی آ گیا رب دا پرونا جے پھر قسمت نالی آنا جے کی زندگیاں نے انسان دیا واوا رون کم آگے رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا جملہ بڑا پیارا ہے دل مومنہ دے پر نور ہوئے مومن خوش ہے خوشیاں نے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے پڑھ پڑھ کے آیتاں قرآن دیا واوا رون کم آگے رمضان دیا لوگوں اپنے گناہاں دا وزن کم کر لو مصطفیٰ علیہ السلام دی گدی سے التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ جڑا میں رب سامنے توبہ کر لیندا ہے میں اللہ نو ایویں پاک کر دینا واں ایویں گناہاں تو معاف تے پاک کر دینا واں جویں نے گناہ کیتا ہی نہیں دوسری گدی سے مصطفیٰ اے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا کوئی گل نہیں انسان خطا دا پتلا اے غلطیاں گناہ کر لیندا اے لیکن مینو گنہگار بڑا پسند اے اللہ جی نالے گنہگار اے نالے تونو بڑا پسند اے ہاں ہاں مینو گنہگار بڑا پسند اے جڑا گناہ کر کے میرے در
ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਗਰ ਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੌਲਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਇਲਾ ਮਗਫੀਰਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲਵੋ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਖੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੇਬਖਾ ਵਗਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਐ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਫਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਆ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਓਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਗੀਓ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਟਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦੀਏ ਓਏ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੇਬਖਾ ਵਗਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਉਹ ਬੂਆ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੂਆ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਠੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਲਾ ਤਕਨ ਤੂੰ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਹ ਲਾ ਤਕਨ ਤੂੰ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਹ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਾਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਓਏ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ
नई जिंदगी दा आगाज करो, दो नफल पढ़ो, रब सामने माफिया मंगो, रब सामने गिरिया जारी करो, अल्लाह जी तुहाडा पापी तुहाडा बागी गुनाहगार ना फरमान। अल्लाह जी बड़े गुनाह कर ले रे, लेकिन अल्लाह जी मैं अजम लैके आया हूं, आज एक नई जिंदगी दा मैं आगाज करांगा, आज एक नई जड़ा राह दी तरफ जन्नत दी तरफ मैं सफर करांगा, आज तो बाद गुनाह नहीं करांगा, आज तो बाद अल्लाह जी तुहाडे नाल यारी पक्की है, मस्जिद अंदर पांच वक्त दी नमाज पक्की है, शैतान दे आके नहीं लगांगा, तुहानू राजी करांगा। कोई इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को दुआए अल्लाह साडा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। और भाई अहमद दीन साहब उन्हां दी बीमार ने, दुआ करो अल्लाह उन्हां नूं मुकम्मल शिफा या फरमाए, को आमीन। ते अल्लाह सोहणिया जिन्हें भी बैठे ने रात दो बज गए ने, अल्लाह जी ये तेरी रजा वास्ते बैठे ने, अल्लाह तू सारिया नूं माफ कर दे, आमीन दी आवाज वधाओ, दुआवां ते इंचार करिए। हाँ जी अहमद अली साहब, ये मक्के वाले शेर वाला कौन है? अच्छा तुसी हो माशाल्लाह, अल्लाह तुहानू मक्के लै जे जाना जे, तुसी क्या ना मक्के वाले शेर पढ़ो तो बंदे तुहानू पकूर दे जे, हुण की वेखना हुण मेरे वाले वेखण लग पए ने, सुना जाना जे मक्के, जाना जे मदीने, जाना जे दुआ घर साल है मेरी के मैं मौला दे कर जावा, मैं दुआ प्या करना आंदे सुभान अल्लाह, ओ जो दुआ करिए तो की कहीदा, नहीं हुण भी आखो सुभान अल्लाह, नहीं नहीं आमीन कहीदा जो दुआ करिए तो फिर आमीन, जो दुआ करिए उदो आमीन कही दा, मिलके मैं दुआ या दो जुमले पढ़ देना हूं, पता नहीं केदी जुबान चो निकली दिला कबूल कर ले, दुआ घर सा लगे मेरी के मैं मौला दे कर जावा, मेरे दिल दी ए खसरत है मैं हज काबे विचो ना कई पे डंडी मार देने सजा चुके आमीन कहना मैं लाभ ना केड़ा नहीं पला कहिंदा, मिल के दरा बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा प्यारा जुमला, मेरे दिल दिया आसाने ते जम जम दिया प्यासाने, पीला दे सा की जाम उस दे मैं पी पी के थर जावा, तो आगर सा लगे मेरी कि मैं मौला दे कर जावा, मेरे दिल दी ए खसरत गै मैं हज काबे दा कर आवा। अल्लाह पाक अपने घर बैतुल्लाह दा हज नसीब फरमाए, उम्रे दे वावा कर लेने इंशाल्लाह रब अगे दुआ है, वैसे इस साल मेरा इरादा सी हज ते जान दा, तो अजे भी मौका है इंशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह मैनू भी लै जाए ते तुहानू भी लै जाए। हाजी अहमद अली साहब, हाजी अहमद अली साहब बीमार ने, दुआ करो अल्लाह सेहत याब फरमाए। और कारी साहब की खाला जान जो मैं शुरू च भी दुआ कराइए, दुआ करो अल्लाह उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह उन्होंने कबर न जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए। और साढ़े कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब बड़े ही मुहब्बत और प्यार वाले जी ने, अल्लाह पाक कारी साहब न सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो शादी की दुआ करने भी हरज कोई नहीं, कर देनी चाहिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा दुआ करवाते हैं, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करवाते हैं, दुआ करो साड़ी शादी हो जाए, जेडे कुवारे ने दुआ करो अल्लाह उन्होंने चंगी शादी हो जाए, आवाज चेक करो इन्हों की खुदा की कसम, हम कह दी
आंदे ने तुसी दूसरी कराओ मैं पहली करावांगा। करसा मौलवियां नूं तां सत्ते ही खैरां ने, यकीन करो ये तो जिन बंदियां दे रोले तिन्ना चीज़ां वास्ते ने, दौलत पिछे भजदे ने ते इज्जत पिछे भजदे ने ते या शादियां पिछे भजदे ने। खुदा की कसम खा के कहना मिंबर ते बैठा ये तिन्ने चीज़ां मौलवियां पिछे भजदियां। वेलो मौलवी चार चार कीती फिरदे ने, वेलो उस्मानी साहब वाला शक्लों वेखो तो एक भी नहीं लगदी। अल्लाह की रहमत है ना, रब शक्ला तो नहीं ना वेखदा, उते दे दिल वेखे जांदे। मैं गल करना चार उन्हां दीआं ने, वेखो कारी यकूब फैसलाबादी साहब दीआं चार ने, शेरे पंजाब दीआं तो हुण अठ हो गईआं ने। अल्लाह अकबर ते दे किहदी कारी हुसैन दी भी वास्ते दुआ करो, अल्लाह उहदा भी कुछ हिसाब ला दे। अल्लाह सोहणिया मैं तेरे दीन दा मुसाफर, भाई चुप करो, भाई चुप करो यार, रमज़ान भी आने वाला है तो मैं रमज़ान च उमरे ते जाना है तो मेरा दिल करता है कोई ना पांच दस बच्चे नौजवान ना वादा करन के असी अज तो बाद दाढ़ी रखांगे तो मैं उन्हां वास्ते ना उत्थे बैतुल्ला दा गुलाब फड़ के दुआ करा रमज़ान च रोज़े दी हालत च। केड़ा नौजवान है खुश नसीब जिहड़ा कहिंदा कि मैं दुआ करवानी इंशाअल्लाह। नहीं जे दी नहीं आ गई दाढ़ी अगे आओ भाई, जे दा जेड़ा मुंडा है ना वो अगे आओ, माशाल्लाह आ जाओ अगे, माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ आ जाओ। की नाम है जमीर हैदर, आ मेरा चन इत्थे आ, इधर आओ भाई, खामोशी इख्तियार करो, कोई बंदा मेरे तो इलावा ना बोले। की नाम तुहाडा? वसीम। तुहाडे वालिद साहब का की नाम? मास्टर उमरदीन। अल्लाह जिंदा ने तुहाडे वालिद साहब, अल्लाह तुहाडे वालिद साहब नूं सेहत दे, अल्लाह पाक तुहानूं इस्तकामत अता फरमाए। इधर आओ, तुहाडा दो एक बंदा हो गया भी, तुहाडा की नाम है? जमीर हैदर। इंशाल्लाह ऐलान करो कि अज तो बाद मैं नबी पाक की सुन्नत चेहरे ते सजावांगा। जमीर हैदर तुहाडे वालिद साहब का की नाम है? हैं मियाँ खान। अल्लाह पाक तुहाडे वालिद साहब जिंदा ने, अल्लाह उन्होंने सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दो हो गए ने, सौण वाला भाई भी तैयार है, चन इधर आ यार इमरान, गल तो सुन इधर आ इंशाल्लाह। चलो ये दो बंदे हो गए भाई माशाल्लाह, तीसरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, एक मिनट साइड से होवो जरा, ए जड़े भाई बैठे ना चादर लैके खड़े होवो इधर आ, ऐ जड़े भाई यही जड़े पिछे नूं पे वेखदे ने, जुल्फकार भाई तुसी खड़े होवो, जुल्फकार साहब खड़े तो होवो, इधर आओ। और नहीं नहीं ए जड़ा तुहाडे अगली साइड दे बंदा है, ऐ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ, अगे आओ, माशाल्लाह तुसी भी आओ। खामोशी इख्तियार करो भाई सारे। माशाल्लाह की नाम है तुहाडा? मेरा दिल कीता कि तू दाढ़ी रखे, हाला वेला इन्ना मजमा भरिया मैं किसी नहीं किया, इतने ऐलान करके इंशाल्लाह अज तो बाद सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी। इधर नहीं नहीं ऐलान कर, इतने बाजी माश। की नाम है? इमरान। अल्लाह इमरान भाई की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की जवानी च बरकत पाए, माशाल्लाह तुसी आओ अगे। की नाम जे? जुल्फकार। अल्लाह पाक तुहाडी उम्र च बरकत, ऐलान करो इत्थे। हाँ जी कोई गल नहीं, उत्थे भी जायद है, एड्डी लंबी दाढ़ी है साढ़े पिंड का बंदा बैंक च लगा उन्हें दाढ़ी रखी, ऐलान करो इत्थे इंशाल्लाह। की दाढ़ी कहो? मैं इंशाल्लाह अज तो बाद दाढ़ी नहीं कटवावांगा इंशाल्लाह। की नाम मामू दे बेटे दा? मामू दे बेटे बाबू खड़े हो चन, माशाल्लाह अल्लाह तेरी उम्र दराज फरमाए। उच्ची आवाज ना ऐलान कर कि आज तो बाद इंशाल्लाह दाढ़ी पूरी रखांगा, उच्ची दने माशा, नारा लाओ भाई कोई बंदा, बंदे किन्ने हो गए ने? किन्ने हो गए ने? पांच हो गए ने माशाल्लाह। लो हुण कोई आपे भी कोई छेवां बंदा माशाल्लाह, दुआ करिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। आ भाई मौला दाद, वाह चन एडा सोहना नाम, आप भी तू बड़ा सोहना इत्थे अगे आ माशाल्लाह। बैठ जाओ भाई साथी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐलान कर माशाल्लाह माशाल्लाह। इंज कह के इंशाल्लाह अज तो बाद दाढ़ी रखांगा इंशाल्लाह। लो जी मौला तेरे अब्बे का की नाम है? मोहम्मद मूसा हयात ने, अल्लाह उन्होंने सेहत मान वाली लंबी जिंदगी दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी हयाती फरमाए। लो जी छे बंदे हो गए ने ते हैं कि हाँ इत्थे बह जा पीछे, दुआ करके चल जी, तू कड़ा उत्थे ताले ठीक करने ते बह जा। तो जो दरा किन्ने बंदे हो गए ने?
छे बंदे हो गए ने। चलो ये तो सी ना दाड़ी रखने वाले जिन्होंने पक्का जड़ा ना मुजम्मम इरादा किया। हुण जिहड़े वैसे नीयत करते हैं वह भी हथ खड़ा कर लो ताकि सवाब च शामिल हो जाओ इनशाला। दाड़ी रखोगे चेहरे ते, चेहरे नूं सुनता नाल सजाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मिल बैठना कबूल फरमाए। वइला हुक्म इला वाहिद लाइल, बैठ जाओ भाई, बैठ के दर्द दिल नाल दुआ फरमाओ। दुआ ए ते इबादत दा नचोड़ है, मगज ते आखर ते झोलियां झाड़ के ना जाया करो। हुण रब हुक्म मंगना है, दिल बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। जितने मुसलमान बीमार ने शिफाया फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह सी तेरे गुनाहगार बंदे से अकार बंदे हो, अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे कबीरा सिरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह जी सानू पाक कर दे, अल्लाह जी गुनाहों नू माफ कर दो। ऐ मेरे अल्लाह जिन्ने भी बेटे जिन्ना नौजवानां ने दाड़ी रखण दा इरादा कीता है अल्लाह इन्हां दी जवानी च बरकत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इन्होंने चेहरे को रोशन फरमाओ। ऐ मेरे मालिका सोने हो, अल्लाह सोने इन्हों की जिंदगी बरकत का नज़ूल फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी आए बैठे ने अल्लाह जी जिहड़ा जिहड़ा दिल अंदर जिहड़ी दिल के अंदर ने ख्वाहिश लैके बैठा है अल्लाह सब दियां ने ख्वाहिशात पूरी फरमाओ। मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफा साहब अल्लाह जी बड़ी मुहब्बत प्यार उलमान अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाओ। अल्लाह मेरे भाई की जवानी बरकत फरमाओ। कितनी तलबा ते दो तालबिलमा ने हिफज किया, एक ने नादरा पढ़े, एक ने तालबे तालबा ने जड़ा हिफज किया, 24 बच्चिया ने नादरा कुरान पढ़िया। अल्लाह कितना तेरे दीन का काम हो रहा है। अल्लाह इस मस्जिद नू दीन का बहुत बड़ा मरकज बनाओ। अल्लाह इस मस्जिद नू दीन का बहुत बड़ा किला बनाओ। अल्लाह मुआविरीन सामईन अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी आए ने अल्लाह सब नू मुआफ फरमा दे, अल्लाह सब नू मुआफ फरमा दे। अल्लाह जी गुनाह कर करके दिल जंग लूद हो गए ने अल्लाह दिलां दे जंग दूर फरमाओ। अल्लाह दिलां दे जंग दूर फरमाओ, अल्लाह दिलां दे जंग दूर फरमाओ। अल्लाह दिलां दे अंदर गुनाहां दी नफरत ने की दा जज्बा पैदा फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह अपने मुस्तफा दा पक्का सच्चा ते खरा सच्चा मुहम्मदी बना। ऐ अल्लाह जी सच्चा उम्मती बनाओ। ऐ मेरे मालिका सोने सारे नूं अपने घर बैतुल्ला दी हाजरी नसीब फरमा। अल्लाह जी अपने घर बैतुल्ला दी तवाफ नसीब फरमा। सफा मरवा दी सही नसीब फरमाओ। सोने मुस्तफा दे रोदे ते अल्लाह खादरी नसीब फरमाओ। अल्लाह जी रोदे ते खड़े हो के दरूद दियां बारिश करन दी तौफीक अता फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाओ। अल्लाहुम बल्लिगना रमदान, अल्लाहुम बल्लिगना रमदान, अल्लाहुम बल्लिगना रमदान। ऐ मेरे अल्लाह रमजान दी रहमत बरकत नसीब फरमाओ। अल्लाह रमजान की कदर करन दी तौफीक अता फरमाओ। सुभान रब अल्लाह मोहतरमा जी अहमद अली साहब अल्लाह मुकम्मल से तिया फरमाओ। दीगर इस गांव के जितने भी उलमाए किराम ने भाई हुसैन हुसनैन साहब भाई शुएब साहब दीगर जितने इस गांव के रोशन जमीर उलमाए किराम तालिब इलम अल्लाह इस गांव के सारे उलमा ते तुलाबा नू अपने दीन वास्ते पसंद फरमाओ। मेरे नाल तशरीफ लैके कारी मोहसिन अजीदी साहब भाई हमादलक फरूकी साहब और भाई मोहतरम हबीबुर रहमान साहब अल्लाह तेरे दीन दे तालिब इलम ने अल्लाह इन्हों आलिम बा अमल बना, खतीबे पाकिस्तान बना। ऐ मेरे मालिका सोनिया मौलाना अब्दुल मन्नान गोंदल साहब अल्लाह मेरे भाई दी उम्र दराज फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह ज्यादा दीन दा काम करन दी तौफीक अता फरमाओ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कौन करे इनकार तेरी शाना दा, अल्लाह कौन करे
इनकार तेरी शाना दा तू है मालिक अल्लाह तू है मालिक अल्लाह कुल जगाना दा अल्लाह को न करे इनकार तेरी शाना दा तू है मालिक अल्लाह कुल जगाना दा अल्लाह को न करे इनकार तेरी शाना दा तू है मालिक अल्लाह तू है मालिक अल्लाह कुल जगाना दा रब्बा तेरी रहमतां दा कोई भी शुमार नहीं रब्बा तेरी रहमतां दा कोई भी शुमार नहीं बंदा नहीं हो जेड़ा तेरा शुक्र गुजार नहीं तेरी रहमत दे दर खुले कई याद करण कई भुले तेरी रहमत दे दर खुले कई याद करण कई भुले फर्क इमाना दा अल्लाह को न करे इनकार तेरी शाना दा तू है मालिक अल्लाह तू है मालिक अल्लाह कुल जगाना दा रब तू है मखलूक वखरी बनाइए कोई तेरा बागिए ते कोई सोदाइए हो कईया सारी उम्र नानी ती कईया सारी उम्र नानी ती कई लब दे फिरन मसीती शोक अदाना दा अल्लाह को न करे अल्लाह को न करे इनकार तेरी शाना दा तू है मालिक अल्लाह तू है मालिक अल्लाह कुल जगाना दा नबी का लब पर जो जिक्र है हुए मिसाल हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र गए मिसाल आया कमाल हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया उनकी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए जो हक में उम्मत में उनके लब पर ज़वाल आया कमाल आया गुरूर गुरों का तोड़ डाला गुरूर गुरों का तोड़ लगा के माथे पे तिल खुदा ने जो काले रंग का गुलाम सोना बिलाल आया कमाल आया
उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, है आज भी उनसे काफर की लर्ज़ा, उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया कमाल आया, नबी तो साइम है सभी आला, नबी तो साइम है सभी आला, मगर जो आखिर पे आमीना का जो लाल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, मोहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया, मुहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, मुहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, मुहम्मद की विलादत पर हुए अर्जों समा रोशन, खुशी से नूरियों ने भी तराना शोक से गाया, मुबारक आमीना तुझको, मुबारक आमीना तुझको, हुआ रोशन तेरा घर है तेरी झोली, मुबारक में तेरी झोली, मुबारक में है नबियों का इमाम आया, मुहम्मद साहसी कोई जमाने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।